चुके हैं रामेश्वरम से मदुरई के लिए, तो आज हमारा लास्ट दिन है और आज हम वापस मदुरई जाएंगे। तो हमें हम मदुरई जाएंगे मीनाक्षी टेम्पल वगैरह और मज़ा आएगा सर। तो गाइस अभी हम पंबन ब्रिज पे देखने के लिए रुके थे, तो आप देख सकते हो जो वहाँ रेलवे ट्रैक है उसके नीचे से बोट जा रही है। अगर बड़ी बोट होती है ना तो आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक को ऊपर उठाना पड़ता है, तो वो मैन्युअली होता है, मतलब लोगों के द्वारा ही होता है। तो अभी बड़ी बोट है नहीं, छोटी है तो नीचे निकल जाएगी। बाकी आप देख सकते हो पंबन ब्रिज इतना खूबसूरत है ना, आप देख सकते हो पूरा ब्लू वाटर है यहाँ पे गाइस, बे ऑफ बंगाल, वाओ। तो गाइस खाना पीना हो चुका है, तो चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन मदुरई पे। मदुरई अपनी अगली डेस्टिनेशन है, तो चलो चलते फटाफट। तो 15 acre लैंड का पॉन्ड है पूरा, साड़ी की बड़ी दुकान है, कपड़ों की बड़ी दुकान है, मीनाक्षी टेम्पल जा रहे हैं। अच्छा तो ये रहा गाइस मीनाक्षी टेम्पल, आप देख सकते हो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो अभी हम फटाफट चलते हैं अंदर। तो ये रहा यहाँ पे मंदिर का गेट, सामने से आपको दिखा था बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा गेट है, दिख रही यहाँ पेड़ के पेड़ छुपा है। और उसके जैसे अपोजिट एक और ऐसा गेट है, वो बड़ा गेट भी दिखा दिया आपको, मुझे आपको दिख रहा होगा कितना ऊंचा है। मंदिर का ऐसा कुछ है, यहाँ लॉकर वॉकर और सब है, तो आप लॉकर में फ़ोन रख सकते हो, यहाँ चप्पल के लिए और वो लगेज के लिए भी है। तो अभी हमारा दर्शन हो गया, अंदर फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन मैं जाना हूँ आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो या यही बहुत सारी शॉप्स भी है बाजू आजू बाजू में, तो मंदिर के सामने से आपको दिखा दिया था। मंदिर में और यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों की शॉप भी है, तो यहाँ से एकदम से अच्छे से दिख रहा है और आप देख सकते हो क्राउड बहुत सारा है। तो गाइस न्यू ईयर के तौर पे हम लोग जा रहे हैं कृष्णा जी और राधा जी उधर, अंदर है मंदिर की एंट्री है। येलो कलर का नल पे भी यहाँ पर ग्रीन भी है और यहाँ पर, और यहाँ बहुत सस्ता है, 30 rupees का है बस, वरना सिटी में 50 का मिलता है। तब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पानी के बीचों बीच में एक मंदिर है, तो अभी हमको यही टाइम बिताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई साइड सीन के कुछ ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 4 सब मंदिर बंद हो जाते हैं और हमारी को फ्लाइट के लिए जाना है 4:30, तो हमको इधर ही टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। डार्क चॉकलेट कोन अमूल की, वाओ। तो जब हम आए हैं अच्छा अल्फा 150 nuts में, यहाँ होलसेल प्राइस में मिलते, चलो देखते हैं।
यहाँ सारी इम्पोर्टेड चीज़ें, देखो कोको कोला वनीला और आई एक लोगों का देखा है। तो गाइस हम यहाँ आए थे आज फन डेट्स नट्स में, तो यहाँ हमको पता चला कि यहाँ सब इम्पोर्टेड चीज़ें, सब इम्पोर्टेड है। और यहाँ देख सकते हो डेट्स की वैरायटी भी बहुत सारी है और इम्पोर्टेड चीज़ की भी वैरायटी बहुत सारी, जो इंडिया में कभी बिकी भी नहीं और आपने देखी भी नहीं होगी। और यहाँ चॉकलेट देखो कितना, मतलब पूरा चॉकलेट ही चॉकलेट है, 700 रुपीज़ किलो। तो आप देख सकते हो डेट्स, ये सब देख रहे हो ना, ये सब अलग अलग डेट्स की वैरायटी है। और देखो मैं बास्केट लेके मस्त मैंने ले लिया कोको कोला वगैरह ये सब, आप देख सकते हो पूरा इम्पोर्टेड सामान है पूरा। आप देख सकते हो फैंटा के 3 फ्लेवर, कोको कोला वनीला, स्प्राइट भी यहाँ बाहर की है और कोक भी बाहर की, और ये स्पार्कलिंग वाटर है वगैरह। तो बहुत सही था, ओनली 1 किलोमीटर तो मधुर एयरपोर्ट बस पहुँच गए। कोला और वनीला वाली और प्रिंगल्स तो यहीं से है, चलो एयरपोर्ट में मिलेंगे। तो गाइस इंडिया का फ्लैग दिख रहा है वहाँ पे और आगे उधर ही एयरपोर्ट है। आप भाई इसकी बेकर कितने बड़ पड़ेगी आगे। फाइनली चेक इन करा लिया है, सिक्योरिटी चेक इन अभी ऊपर होगा, तो मेरे बोर्डिंग पासेस भी आ गए हैं। तो अभी चलो 3 घंटा और है फ्लाइट को, ऊपर बैठेंगे मैं फ्लाइट को ताड़ेंगे आते जाते। पूरा एयरपोर्ट खाली है, बस हम लोग ही बैठे इधर, यहाँ से कोई फ्लाइट जाने वाली है बड़ी वाली, तो उसका देखते हैं सामने उड़ गई तो अच्छा है। तो गाइस जैसा देख सकते हो कि हम अभी मादरा एयरपोर्ट पे है, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30-6:15 की बोर्डिंग है। तो हम 3 दिन रामेश्वरम में थे, मतलब 2 दिन रामेश्वरम में थे। फर्स्ट डे हम रामेश्वरम गए, हमने मार्केट एक्सप्लोर करा। दूसरे दिन हम सुबह सुबह 4 बजे हमने दर्शन करे, 7 बजे आ गए थे, फिर हम थोड़ी देर सो गए थे। उसके बाद हम वहीं धनुषकोडी वगैरह गए थे, और आज के दिन हम मदुरई आए थे और मीनाक्षी टेम्पल के दर्शन कर लिए हमने। और अभी हम 4 घंटे से एयरपोर्ट पर बैठे हैं, तो सबको अच्छा लग रहा है कि हम रामेश्वरम घूम के आ गए। तो चलो फ्लाइट आएगी उसमें बैठेंगे। तो वो पीछे आ गए कोरिंडोन एयरलाइंस, श्रीलंका की लग रही है गाइस। वैसे श्रीलंका की नहीं है, टर्किश एयरलाइन है, तो तुर्की में जाएगी, टर्किश एयरलाइन है बस इतना मालूम। टर्की जाएगी, टर्किश। ये वेज सैंडविच लिया है, एक कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ सैंडविच है, कुछ पक्के से हमने यहाँ से एक चिली पनीर मंगाया था, तो ऐसा कुछ आया बहुत कम दिया। तो गाइस मिक्स वेज पिज़्ज़ा भी आ गया साथ में, तो आके फिर जाएंगे फ्लाइट के अंदर। तो गाइस अभी हम बस में बैठ चुके हैं, फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं भाई। देखो फ्लाइट पास में होगी तो मैं बस ही जाएंगे तो भाई की सही है। तो बस में देखो ना कितने फीचर्स होते हैं, फ्लाइट आई गेस हालांकि देखते आप यहाँ तो आए नहीं। अच्छा इस साइड में, अरे वो नहीं सामने दिख गई, फ्लाइट अंदर बोर्ड करने के बाद आपसे मिलते हैं। चलो ये कार में हम यही सीट में लिए हम बैठ चुके हैं, ये बोर्डिंग के लिए तैयार हैं। तो विस्तारा आकाशा एयर और इंडिगो भी खड़ी है यहाँ पे, आकाशा एयर नई नई आई है भाई। तो गाइस पूरा चेन्नई एयरपोर्ट कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम कुछ खाने चलते हैं क्योंकि हमें भूख लग रही है, हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, पिज्ज़ा और पनीर चिली खाया था। तो चलो तो बाकी है, अच्छा है, बड़ा है और हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है। भाई पॉपकॉर्न मिल रहा है भाई, कितने के मिल रहे पॉपकॉर्न भाई, 300 के भाई, घर चलो भाई 300 के पॉपकॉर्न मिल रहे, इससे बाहर 200 रुपये मिलते हैं। गाइस अभी लॉन्च के अंदर आए हैं, जैसा देख सकते हो एज यूजुअल लॉन्च के अंदर। चलो कुछ खाते हैं भाई, पहले भूख लग रही है, राइस सांभर और सैंडविच को खाते भी इसलिए आएगी आई नहीं। तो गाइस अभी लॉन्च का तो हो गया है, खा पी भी लिया है, तो अभी हम निकल गए यहाँ से, बस
45 मिनट के अंदर हमारी फ्लाइट, आधा घंटा और घूम लेते फिर उसके बाद बोर्डिंग गेट पे चलते हैं। फाइनली घर पे आ चुके हैं, बहुत नींद आ रही है तो अभी सोते हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।